अस्सलाम वालेकुम ग्रेड सिक्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। आज हमने करनी थी रिव्यू एक्सरसाइज, क्योंकि हमारा लेसन नंबर 2 कंप्लीट हो गया था, लेकिन कुछ बच्चों को प्रॉब्लम आई है वो मेयरिंग वॉल्यूम में, तो पहले हम उसको क्लियर कर लेंगे, उसके बाद हम कल रिव्यू एक्सरसाइज करेंगे, मंडे को रिव्यू एक्सरसाइज कर देंगे। सो लेट्स स्टार्ट मेयरिंग वॉल्यूम। वॉल्यूम इज अ मेयर ऑफ द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय अ सब्सटेंस, जो भी जितनी भी जगह घेरता है सब्सटेंस यानी कोई भी चीज़ या ऑब्जेक्ट या पानी, तो उसको कहते हैं वॉल्यूम। द एसआई यूनिट ऑफ वॉल्यूम इज़ द क्यूब मीटर, जो एसआई यूनिट है वॉल्यूम का वो क्यूब मीटर है यानी M3। 1 क्यूबिक मीटर इज़ द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब विद लेंथ ऑफ 1 मीटर। एक क्यूब एक जो है वो एक वॉल्यूम के इक्वल होता है 1 मीटर के, एज 1 मीटर क्यूब इज़ इक्वल टू 1 मीटर। As it is rather large volume, बेशक वो बड़ा होगा। Smaller units such as cubic centimeter, जैसे centimeter छोटा है तो हम large volume को find out करने के लिए centimeter में उसको जो volume है बड़े volume होते हैं उसको हम find out करने के लिए cubic centimeters के साथ मैं ये करते हैं, cubic millimeter के साथ, liter के साथ या millimeters के साथ हम उसको फाइंड आउट करते हैं। जैसे बारिश होती है तो हम मिलीमीटर्स में रिकॉर्ड करते हैं या लीटर्स में रिकॉर्ड करते हैं, तो इस तरह से जो थोड़ी चीज़ होती है वो लीटर्स में रिकॉर्ड की जाती है, जो ज़्यादा होती है उसको मिलीलीटर्स में रिकॉर्ड किया जाता है। 1 लीटर इज़ इक्वल टू 1000 मिलीमीटर्स, जो 1 लीटर है वो इक्वल है 1000 मिलीमीटर के, एंड 1 मिलीमीटर इज़ इक्विवेलेंट टू 1 क्यूबिक सेंटीमीटर, जो 1 मिलीमीटर है वो इक्वल है 1 क्यूबिक सेंटीमीटर के। ठीक है, आई होप कि आपको अभी तक समझ आ रहा होगा। फाइंडिंग द वॉल्यूम्स ऑफ ऑब्जेक्ट विद रेगुलर शेप्स, जो रेगुलर शेप्स के साथ वॉल्यूम को फाइंड आउट करना है उसको हम आज स्टार्ट करते हैं। सम ऑब्जेक्ट्स हैव रेगुलर शेप्स, कुछ जौन सी चीज़ें हैं, कुछ जौन से ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो रेगुलर शेप के साथ होते हैं, जिन जो सॉलिड्स हैं उनकी प्रॉपर रेगुलर शेप होती है। द वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट्स विद रेगुलर शेप सच एज बुक्स, बास्केटबॉल्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स, कैंस, पिरामिड्स एंड कॉन्स कैन बी कैलकुलेटिव यूजिंग फार्मूला, जो क्यूब है, सिलेंडर है, क्यूबॉइड होता है, सेफायर और कौन है, इनको हम प्रॉपर शेप्स देंगे और इनको हम पूरे फार्मूले के साथ कैलकुलेट करते हैं। फार्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द वॉल्यूम ऑफ सम रेगुलर ऑब्जेक्ट्स आर शोन इन द फिगर बिलो, और इनका जो सा फार्मूला है वो नीचे इनके पिक्चर्स के दिया गया है, उसको हम रीड आउट कर लेते हैं। क्यूब का फार्मूला है वी इज इक्वल टू L3, यानी वॉल्यूम है लीटर क्यूब। सिलेंडर का वी इज इक्वल टू पाई आर स्क्वेयर और एच, यानी रेडियस और हाइट। क्यूबॉइड V इज इक्वल टू लेंथ ब्रेथ एंड हाइट। सेफायर में 4/3 pi r³, r का मतलब है रेडियस। कोन 1/3 pi रेडियस स्क्वेयर हाइट। इस तरह से हमने इसको फाइंड आउट करना है। आई होप कि ये अब आपको क्लियर हो गया होगा। इसको 3-4 दफ़ा सुनिएगा मेरे लेक्चर को, ये आपको समझ आ जाएगी, इसमें कोई भी आपको इशू नहीं होगा। हैव अ गुड डे, अल्लाह हाफिज़।